हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, यह है सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से डॉग बिहेवियरिस्ट हूँ 8 सालों से लगातार। और आज हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा नन्हा मुन्ना सा ब्लू आइज पिंक नोज लैब्राडोर है, जो कि लाखों में एक होता है और बहुत अनोखा, मतलब नीली आँखों वाला लैब्राडोर है। तो कोई मुझसे कॉल करके ना बोले कि नीली आँखों वाला चाहिए, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। हालांकि इसकी एक बहन और एक भाई हमारे पास और है, वो भी पिंक नोज में है और ब्लू आइज में है। सो लैब्राडोर की तीन मुख्य बातें आपको बताऊं। लैब्राडोर सबसे ज़्यादा अडोरेबल, सबसे ज़्यादा प्यारे, और चाय आ गया, बोलिए चाय लेता है, देते देते रहो, लोग वीडियो में बातें करते रहेंगे, चाय। तो ये सबसे ज़्यादा अडोरेबल ब्रीड है, सबसे ज़्यादा प्यारी ब्रीड है। और ये जो लैब्राडोर होते हैं, ये कभी काटते नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। चाहे आपके घर में महिलाएं हों, चाहे लेडीज हों, चाहे जेंट्स हों, चाहे छोटे बच्चे हों, ये कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, चाहे ये बड़े हो जाएं तो भी। दूसरा प्लस पॉइंट, जितने भी आप पुलिस विभाग देखते हैं, मैं बनारस से हूँ, बनारस शहर बाबा की नगरी है, काशी धाम है, विश्वनाथ मंदिर के डॉग प्रोटेक्शन में भी, यहाँ तक कि बॉम्ब स्क्वाड में बम सूंघने वाले भी जो कुत्ते हैं वो लैब्राडोर ही होते हैं। पांडेपुर पुलिस लाइन से ब्लैक कलर का लैब्राडोर जाता है, बादल, और बादल भी ऊपर वाले के आशियों की, और जो भी बॉम्ब स्क्वाड में चेकिंग होती है, कहीं ना कहीं सौरभ डॉग कैनल उसमें भी एक हिस्सेदारी लेता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सबसे इंटेलिजेंट होते हैं और सबसे घुल मिल जाते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन इसलिए, चाहे आपका पड़ोसी आए, चाहे आपके दोस्त आए, चाहे नेबर आए, चाहे जो कोई भी आए, ये सब के साथ फ्रेंडली हो जाएगा, किसी को काटेगा नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलेगा। नेगेटिव पॉइंट क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी होने वाले भी डॉग भी लैब्राडोर ही है। ये इतने सीधे होते हैं कि कोई भी इन्हें दुलार के पुचकार के एक बिस्किट खिला के अपने साथ सरका सकता है, अगर आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती। और वो व्यक्ति करेगा ऐसा जिसको डॉग के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी वही ये काम करेगा। जिनको डर लगता है उनको तो छोटे से पोमेरियन से भी डर लगता है, जो डरने वाला होगा वो तो इस पपी से भी डरेगा। तो थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इतने छोटे पपीज़ को देना क्या चाहिए खाने में, तो सबसे पहले आप जब भी 1 महीने 35 दिन का पपी लेते हैं, तो इतने छोटे पपी को कभी भी मिल्क ना दें, दूध ना दें, क्योंकि इनका डाइजेशन सिस्टम पे काफ़ी अच्छा असर नहीं पड़ता, उनको लूज मोशन हो सकता है इतनी कम एज में। बड़े होने पर आप दे सकते हैं, जब ये 4-6, 5-6 महीने के हो जाए तब, आओ नाखून लग रहा है। और क्या देंगे, या तो रॉयल कैनिन का स्टार्टर, मैक्सी स्टार्टर, और दोपहर में थोड़ा सा दही दे दें, कर्ड दे दें, और घर के खाने में आप पनीर या छेना दे सकते हैं। और सेरेलेक इनका लगातार, जब तक ये 45-50 दिन या 60 दिन के नहीं हो जाते, कंटिन्यू रहता है। सेरेलेक सबसे ज़्यादा सुपाच्य भोजन होता है, जो कि ईजिली पचाया जा सकता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, यहाँ पे ये हमारे बनारस में ही जा रहा है, हमारे भाई के घर पे, अनिंदोदा के घर पे, जो लोग भेलूपुर से बिलोंग करते हैं अनिंदोदा से मिल सकते हैं। हम इसकी एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी फीडबैक वीडियो 1-2 दिन में आपको भेजेंगे। दादा अपने मम्मी पापा सबके साथ एक पारिवारिक वीडियो बना के इसके साथ हमें देंगे, तब हम आपको दिखाएंगे। और ये बहुत छोटी सी बच्ची है, प्यार कर रही है हमको, चत्तू चत्तू कर रही है, और हम बड़ी शुभकामनाओं के साथ और कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए इसको न्यू फैमिली में भेज रहे हैं। और ऊपर वाला करिए जाए, ताउम्र स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब खुशियाँ फैलाए और खुशियाँ बांटे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें टिकटॉक इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और सवाल सैटरडे का आनंद लेते रहें। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद, जय भारत।